अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो डेंसिटी की नॉलेज अक्वायर करते रहे हैं पिछले लेसन्स में, उसको हम एक कंक्लूजन पे लेके जाएंगे और बच्चे जो हैं अपनी जो डेंसिटी का इल्म है उसमें एक और डेप्थ पैदा करेंगे। इससे पेशतर कि हम आज के लेक्चर का जो फोकस है उसकी बात करें, हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिव्यू कर लें। एक तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि आप जो मटेरियल्स हैं उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर डेंसिटी, यानी जो डेंसिटी है वो मैटर की एक खसूसियत है और उन्होंने मुख्तलिफ मटेरियल्स की डेंसिटी मेजर की और देखा कि उनकी वैल्यूज़ जो हैं, कुछ वैल्यूज़ कम अज़ कम बहुत डिस्टिंक्ट या अलहदा होती हैं, कुछ वैल्यूज़ में थोड़ा सा ओवरलैप होता है क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट टेक्निक्स हैं वो इतनी रिफाइंड नहीं है। लेकिन बहरहाल वो ये जान गए हैं कि जो डेंसिटी है दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। हमने लेक्चर के आखिर में थोड़ा सा ये भी मोटिवेट करने की कोशिश की कि डेंसिटी का शायद कुछ फ्लोटिंग और सिंकिंग के साथ भी ताल्लुक है, और हमने इस तरह पानी डाला हुआ था बीकर में और जो वो मुख्तलिफ सॉलिड्स जिनकी डेंसिटीज मेजर करते आ रहे थे वो हमने पानी में डाल के, तो हम देख रहे थे कि कौन से सिंक करते हैं और कौन से फ्लोट करते हैं। उसकी थोड़ी सी फुटेज तो हमने आपको दिखाई, लेकिन मुकम्मल फुटेज जो है वो हम पावर शॉर्टेज की वजह से आपको ना दिखा सके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड टू व्हाट इज़ नाउ गोइंग टू फॉलो। सो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने पानी डाला बीकर में एंड टूवर्ड्स द टेल एंड ऑफ द लेक्चर बच्चों से हमने पूछा भी कि आपका क्या ख्याल है कि ग्लास को क्या होगा अगर हम पानी में डालेंगे, तो there was a consensus, सब बच्चे मुत्तफिक थे कि ये तो डूबेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जो लकड़ी की वैल्यूज डेंसिटी की बच्चों की आ रही थी वो पानी की डेंसिटी से कम थी। हमने कहा अच्छा आपका क्या ख्याल है इसको क्या होगा, कुछ बच्चों का पहले मुशाहिदा था, सम वर एबल टू से इट मे फ्लोट। एनीवे हमने डाला और देखा कि जो लकड़ी है वो फ्लोट कर रही है। अच्छा, जो ये वैक्स थी या मोम थी इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी क्योंकि इसकी वैल्यूज की एक रेंज थी जो जरा सी पानी की वैल्यू से कभी बड़ी थी, जरा सी थोड़ी भी थी पानी की वैल्यू से। सो हमने फिर मोम को डाला और देखा कि मोम भी फ्लोट कर रही है। तो डिस्कशन ये हो रही थी कि जिनकी डेंसिटीज पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती हैं वो सिंक कर जाती हैं और जिनकी डेंसिटीज पानी की डेंसिटी से कम होती हैं वो फ्लोट करती हैं। सो अगर हमें अपनी वैल्यूज से कुछ कंफ्यूजन हो कि जी ये ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से या कम है, तो द इजी वे टू चेक इट आउट इज टू पुट इट इन वाटर एंड इफ इट फ्लोट्स इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर। फिर आपको याद है पिछले लेक्चर में बच्चों ने इरेग्युलर सॉलिड्स की भी डेंसिटीज मालूम की। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी थी ये जो प्लास्टिक डाय है, सो जो प्लास्टिक जिसका ये डाय बना हुआ है उसकी डेंसिटी की भी एक रेंज थी फ्रॉम 0.8 टू 1.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ पानी से ज्यादा कुछ पानी से कम, तो फिर इसको भी डाला गया और ये देखा गया कि ये पानी में डूब जाता है। सो इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर। एंड फाइनली इस आयन स्क्रू के बारे में तो किसी को शको शुबा नहीं था कि जी ये डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटीज की आपको याद है दो सेट्स आ रहे थे वैल्यूज के, लेकिन वो दोनों पानी से बहुत ज्यादा थी और ये बच्चों का मुशाहिदा, कहते हैं जी ये तो बहुत भारी चीज है, ये तो जरूर पानी में डूबेगी। तो ये अब हम आपके सामने आपको ये दिखा रहे हैं बीकर
जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जी जो सॉलिड ग्लास या जो पर्टिकुलर प्लास्टिक है या आयन स्क्रू है वो तो डूब गए हैं, और जो वैक्स है और मोम है वो फ्लोट कर रहे हैं, ताकि ये आपकी हमने एक तरह की याद दहानी के लिए, बिकॉज यू विल नीड टू रिफर टू दिस, हमने शुरू में आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी है। अच्छा जी, अब जो हमारा आज का लेसन है, जिसकी के हम आपको फुटेज इस लेक्चर में दिखाएंगे, मोस्ट ऑफ द फुटेज वी विल शो इन दिस लेक्चर, एंड देन वी विल लीव द एक्साइटिंग पार्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि अच्छा जी, ये जो लेसन बच्चे जिस पे एम्बार्क कर रहे हैं या जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, उसमें वो क्या करेंगे। तो इस लेसन में वो एक डेंसिटी कॉलम बनाएंगे, या आप भी सीखेंगे कि डेंसिटी कॉलम क्या होता है। तो वो बेसिकली अपनी जो डेंसिटी की उनकी जो सारी एक्सप्लोरेशन है या तहकीक है, उसको पहले तो मजीद आगे बढ़ाएंगे। अभी तक वो ज़्यादातर तो सॉलिड्स की डेंसिटीज मेजर करते आ रहे हैं, और एक लिक्विड की उन्होंने डेंसिटी मेजर की थी, विच वॉज वाटर। सो नाउ दे आर गोइंग टू बी वर्किंग विद मोर लिक्विड्स। एक तो पानी ही है, ये कलर्ड वाटर आपके सामने है, इसको हमने कलर किया हुआ है, बट एक्चुअली इट्स वाटर, पानी। फिर ये वेजिटेबल ऑयल है, आगे लेबल्स भी लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, और ये ग्लिसरीन है। सो हमने तो डेंसिटीज निकाल के आपके सामने लगा दी है, लेकिन बच्चे इनकी डेंसिटीज निकालेंगे। पानी की दोबारा से डेंसिटी निकालेंगे, और वेजिटेबल ऑयल और ग्लिसरीन की फर्स्ट टाइम अराउंड डेंसिटी निकालेंगे, और इसीलिए दोबारा उनकी जो मेजरमेंट्स की स्किल्स हैं वो और कंसोलिडेट होंगी। अच्छा, जब वो डेंसिटीज निकालेंगे, और ये जो थोड़ा सा हमने एक्सपोजर उनको पानी के साथ दिया बाय पुटिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन इट, तो वो फिर बेस्ड ऑन दैट नॉलेज वो फिर प्रिडिक्ट करेंगे या पेशीन गोई करेंगे कि अगर हम इन तीनों लिक्विड्स को मिक्स कर दें एक ही सिलेंडर में तो फिर क्या होगा। सो व्हेन दे मिक्स देम टुगेदर व्हाट विल बी फॉर्म्ड इज व्हाट वी कॉल अ डेंसिटी कॉलम। बच्चे फिर उस डेंसिटी कॉलम का तज्जिया करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद ये जो अभी मैंने इसमें डाला हुआ है, ये प्लास्टिक डाई और आयन स्क्रू, जिसकी के डेंसिटीज को वो जानते हैं और हमने आपके सामने भी लगाई हुई हैं, आर्म्ड विद दिस इंफॉर्मेशन वो प्रिडिक्ट करेंगे कि अच्छा, अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डालें अपने डेंसिटी कॉलम में, और द सिलेंडर विच कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ दीज थ्री लिक्विड्स, तो उनका क्या बिहेवियर होगा। और फाइनली फिर वो डाल के देखेंगे कि जो उनकी पेशीन गोई थी कि जी क्या होगा जब वो ये आयन स्क्रू या प्लास्टिक डाई को डालेंगे, तो वो फिर उसको टेस्ट करेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारे जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स बच्चे समझेंगे, उसमें ये है कि वो जानेंगे कि लिक्विड्स की डेंसिटी होती है, और कुछ जो लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं हैं, और जो लिक्विड्स मिक्स नहीं एक दूसरे के साथ करते, उनको एक हम खास नाम देते हैं इमिसिबल लिक्विड्स का। ये हम वैसे आपकी नॉलेज एक्सटेंड कर रहे हैं। वो ये भी जानेंगे कि जो लिक्विड्स की कम डेंसिटी होती है वो फ्लोट करेंगे ऑन लिक्विड्स दैट हैव मोर डेंसिटी। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स कैन फ्लोट ऑन ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ देयर डेंसिटी। वो ये भी जानेंगे कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि जो थिक लिक्विड्स होते हैं, मसलन हमारे पास अभी पानी के मुकाबले में ऑयल इज अ थिकर लिक्विड, सो इज ग्लिसरीन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक थिक या जिसे हम कहते हैं विस्कस लिक्विड जो है, उसकी डेंसिटी भी जो एक थिनर लिक्विड है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। है जैसे आप वैल्यू से देख रहे हैं
ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है और ग्लिसरीन की डेंसिटी पानी से ज्यादा है. सो दे विल लर्न दैट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी और थिकनेस आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. और वो ये जानेंगे कि जनरली ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और इंडीड लिक्विड्स, दे विल फ्लोट ओनली इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर प्लेस्ड इज मोर देन देयर डेंसिटी. यानी वो सॉलिड्स या लिक्विड्स फ्लोट करते हैं जिनकी डेंसिटी जो है, जो लिक्विड है उससे कम होती है. और वो ये जानेंगे कि जी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि डेंसिटी है, उसको आप इस्तेमाल करके मटेरियल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं, और आप ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि वेदर दे विल फ्लोट और सिंक. सो इन अदर वर्ड्स इट हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैटर. एंड फाइनली दे विल लर्न दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विल फ्लोट इन वाटर इफ द मटीरियल दैट दे आर मेड ऑफ इज less than water. We've already started exploring that and they will consolidate it when they build their density column. Achha ji, ab wo skills kya seekhenge ya maharatein kya seekhenge, usme wo density ki value calculate karenge, khas taur pe jo nayi liquids hain, glycerin hai, oil hai, unki values calculate karenge. और वो फिर जो डेंसिटी वैल्यूज हैं इन लिक्विड्स की और ये जो दो सॉलिड्स हैं हमारे पास, ये जो डाई है और ये जो स्क्रू है, आर्म्ड विद दैट वो प्रिडिक्शंस करेंगे, यानी पेशीन गोई करेंगे. पहले तो ये कि जब वाटर और ऑयल और ग्लिसरीन को मिक्स करें तो वो कैसे बिहेव करते हैं, फिर वो डेंसिटी कॉलम बनाना सीखेंगे और फिर वो मजीद और प्रिडिक्शंस करेंगे कि अच्छा जी जब हम ये डाई और स्क्रू को डालेंगे तो क्या होगा. सो द स्किल्स दैट दे आर गोइंग टू बी यूजिंग आर ऑफ कोर्स मेजरमेंट स्किल्स, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यूजिंग द मेजरिंग सिलेंडर एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेंसिटी वेरी केयरफुली. एंड ऑब्वियसली जो वो मेजरमेंट्स या कैलकुलेशंस करेंगे उसमें वो जो है टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि वो अपना डेटा रिकॉर्ड भी करेंगे, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज को एंटर करेंगे. एंड फाइनली एज वी ऑलवेज डू दैट दे विल शेयर देयर डेटा एंड एनालाइज इट कलेक्टिवली. एंड यू विल सी हियर अगेन कि जो इनरिचिंग लर्निंग है वो उस वक्त होती है और उसी जब वो कलेक्टिव डेटा शेयर होता है और आप पैटर्न्स देखते हैं कि क्या है, तो उससे एरर्स की भी निशानदही हो जाती है. और एटीट्यूड्स को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वी हैव बीन थ्रू दैट अगेन. इट्स एसेंशियली टीम वर्क एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग. और जो पूरा कल्चर है साइंटिफिक, जब इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, वो उसके सारे एस्पेक्ट्स की हम बातें पहले भी कर चुके हुए हैं, सो वी वॉन्ट ड्वेल ऑन दैट मोर. बट वो उनका स्ट्रेंथन होगा. जो मटेरियल्स वो इस्तेमाल करेंगे, उन मटेरियल्स में एक तो ये है कि जी उनको हम डेंसिटी कॉलम के लिए खास वर्कशीट्स देंगे और वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे. उसके अलावा हर ग्रुप को इन प्रिंसिपल, इफ़ यू हैव इनफ 100 मिलीलीटर मेजरिंग सिलेंडर्स, देन वी शुड गिव ईच ग्रुप 3 एम्प्टी 100 मिलीलीटर मेजरिंग सिलेंडर्स. जैसे आप फुटेज में देखेंगे कि हमने हर ग्रुप को दो दिए थे और एक फिर छोटा बीकर दिया था पानी की डेंसिटी के मेजरमेंट के लिए. सो इन प्रिंसिपल 300 मिलीलीटर मेजरिंग सिलेंडर्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे और फिर हम उनको सप्लाई देंगे एक प्लास्टिक बॉटल जिसमें ग्लिसरीन है, एक जिसमें वेजिटेबल ऑयल है और एक colored water ki supply. And of course every group will get one plastic die and they will get one iron screw and two groups will share an electronic balance. Aur wo charts to hamari waise lagi hui hain and the chart that they will need to refer to is ke ji acha liquids ka jo mass hai wo kaise nikalte hain. And as always you prepare
so that there's sufficient material for all the groups at hand. And as I say, kabhi kabhar aapko improvise karna padta hai, jaise hamare paas har group ke liye teen measuring cylinders nahi the, to humne socha ke pani ka itna bada issue nahi hai, aur balki unke liye ek interesting aur challenging cheez bhi ho jayegi ki humne unko ek chota beaker de diya alada to help them measure the density of water. And of course, you must measure the density of water and oil and glycerin yourself before you start the experiment. Acha, ab isse peshtar ke hum footage dekhen, main chahti hu ki main phir zara sa aapke sath review kar lu ki humne agar liquids ki density measure karni hai to uske kya steps hain. And you are also going to see that in the footage. मैं पूरी डिटेल आपको दोबारा करके नहीं दिखा रही, पर आपको ये मालूम है कि किसी लिक्विड के लिए भी ज़रूरी ये है कि पहले तो जो भी आप मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्प्टी खाली मेजरिंग सिलेंडर का पहले आप मास लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख के, फिर आप उसमें जो भी लिक्विड डाल रहे हैं, इन दिस केस इट्स ग्लिसरीन, तो फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखेंगे और आप मैप देंगे ऑफ द ग्लिसरीन प्लस द सिलेंडर, एंड देन फाइनली यू फाइंड द मास ऑफ द ग्लिसरीन बाय सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर फ्रॉम इट. सो यानी फर्स्ट यू फाइंड द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर, देन द मास ऑफ द सिलेंडर प्लस द ग्लिसरीन, and then you subtract the mass of the empty cylinder from it. To us tarah aapke paas glycerin ka mass aa jayega. Aap dekhenge ki humne instructions bachchon ko di hui hain ki ji aap 25 milliliter har liquid ka dal. As you will see in the footage that we follow that for glycerin and oil, but for water we've taken a different approach because we have that beaker jisme 25 milliliter ka mark nahi hai. So we'll discuss more of that later. एनीवे तरीका यही है मास निकालने का, और अगर आपने कोई फिक्स्ड वॉल्यूम जैसे ये 25 मिलीलीटर डाली हुई है तो वो आप वॉल्यूम तो फिर जानते हैं. तो इफ यू नो द मास, इफ यू नो द वॉल्यूम एंड यू कैन फाइंड द डेंसिटी देन इजीली, बिकॉज द डेंसिटी इज द मास ऑफ 1 मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दैट सब्सटेंस. सो यू जस्ट डिवाइड द मास बाय द वॉल्यूम. तो ये मेजरमेंट्स जो डेंसिटी के आप देख रहे हैं वो मैंने बड़ी केयरफुली की और आपके सामने लगा दी है. एंड एज यू कैन सी के द हाईएस्ट डेंसिटी ग्लिसरीन की है, फिर पानी की है और फिर ऑयल की है. और उसके अलावा मैंने जो हम पहले बच्चे कैलकुलेट कर चुके हैं जो रिलेटिवली रिलायबल वैल्यूज थी डेंसिटी की प्लास्टिक के लिए और आयरन स्क्रू के लिए लगा दी हैं. सो आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट, और फिर जैसे जैसे हमारा लेसन प्रोग्रेस करेगा वी विल ऑल्सो देन कंस्ट्रक्ट द डेंसिटी कॉलम एज द चिल्ड्रन आर गोइंग टू डू. सो नाउ लेट्स गो इन टू द क्लास रूम एंड सी द फर्स्ट फुटेज. अच्छा जी बच्चों, कल हम जरा हमने आपने डेंसिटीज निकाली दो और मटेरियल्स की, प्लास्टिक डाई की, प्लास्टिक की खास किस्म का प्लास्टिक था और आयरन नेल यानी आयरन का वो कोई मिक्सचर था जिसे हम आयरन अलॉय कहते हैं. तो उसके बाद मैं आप सबको रिमाइंड करा रही थी कि आपने हमने फिर थोड़ी सी पानी में चीजें देख के देखी कि कौन सी चीजें सिंक करती हैं और फ्लोट कर रही हैं, ठीक है. तो बेटा आप मुझे बताने लगे थे, मैंने कहा कि जो चीजें फिर कोई पानी कोई डेंसिटी के साथ ताल्लुक था जो चीजें सिंक कर रही थी और जो फ्लोट कर रही थी. यस मैम, जब हमने क्योंकि वो पानी की डेंसिटी जिसकी पानी की डेंसिटी कम थी और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे सिंक कर रही थी और जिसकी कम थी वो फ्लोट कर रही थी. जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा थी वो सिंक कर रही थी और फ्लोट कर रही थी. आज हम जो अपनी हमारी ये डेंसिटी की जो कहानी चल रही है, अब आप बड़े एक्सपर्ट्स हो गए हैं, आपने सॉलिड्स की डेंसिटी भी मेजर की है, रेगुलर सॉलिड्स की, इरेगुलर, और आपने किसी लिक्विड की भी डेंसिटी मेजर की, पानी. अच्छा, आज हम दोबारा पानी की भी डेंसिटी मेजर करेंगे
और दो और लिक्विड्स की डेंसिटी मेजर करेंगे, और वो जो दो और लिक्विड्स आपको दिए गए हैं आपको नजर ही आ रहा है और एक ऑयल है। अच्छा, और हम फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाएंगे जिसे हम कहते हैं डेंसिटी कॉलम, पर हम वो देखेंगे कि वो हम कैसे बनाते हैं। अच्छा, और साथ हमने आपको वही आपका पुराना आयन स्क्रू और हमने आपको आपका प्लास्टिक डाई दे दिया। आयन स्क्रू की तो डेंसिटी हमने देखा कि क्योंकि हमारी उसकी वॉल्यूम बहुत छोटी थी तो हमारा एरर है वैल्यूज में, क्योंकि 2 ml 1 ml की उसकी वॉल्यूम थी। तो लेकिन फिर भी आयन स्क्रू की डेंसिटी हम मैंने कहा था कि 6 g/cm³ के करीब है, लेकिन पानी से तो बहुत ज्यादा है। हाँ, 1 से तो बहुत ज्यादा है। और फिर हमें जरा कुछ शक था अपने प्लास्टिक के बारे में कि भाई उसकी कुछ वैल्यूज पानी से कम आ रही थी और कुछ वैल्यूज पानी की डेंसिटी से ज्यादा। तो हमने किस तरह तय किया कि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी? इस फुटेज में बस वी आर सेटिंग द एजेंडा फॉर द डे, और हमने उन्हें बताया है कि अब वो दो मजीद और लिक्विड्स की डेंसिटी मेजर करेंगे, एंड वी गो ओवर द डेंसिटी वैल्यूज फॉर द आयन स्क्रू एंड द प्लास्टिक डाई, एंड वी टॉक अबाउट व्हाट वर द एक्यूरेट वैल्यूज। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट्स। पहले हम कुछ रिव्यू करेंगे जो हमने पिछले लेसन में उनको सवाल दिए हुए थे उनकी वर्कशीट पे डेंसिटी के हवाले से, मास वॉल्यूम के हवाले से, तो थोड़ा सा वो हम रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू बिल्डिंग अ डेंसिटी कॉलम। सो लेट्स सी द फर्स्ट फुटेज। So, अब हम अपनी जरा डेंसिटी की मालूमात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले आपकी जो ये पुरानी वर्कशीट है उस पे आपको कुछ सवाल दिए गए थे, उन सवालों के बारे में आपने सोचा देखा? अच्छा, ओके बेटा, आप मुझे पहला सवाल पढ़ के सुनाओ उस लिस्ट में। आर एनी ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट मेड आउट ऑफ द सेम सब्सटेंस? How did you reach your conclusions? अच्छा, so let me repeat that basically हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वो तीन ब्लॉक्स जो थे wax and wood and glass की density measure की, फिर आपने अपने ये plastic die और brass weight और क्या था iron screw की density measure की, तो आपसे ये पूछा जा रहा है के what do you think, are they made of the same substance? No, they are not. And why do you say that they are not made of the same substance? Some is made of plastic, iron and glass. Okay, how do we tell that? I mean, what did you measure that told you what that they are made of different substances? Mass, what the densities are different. Densities are different. And as it is written in your handout that density is a characteristic property of substance matter, यानी कि वो characteristic property या ऐसी खसूसियत है जो कि हमें ये बताती है कि ये जो material क्या है, अगर हमें ना भी पता हो, शक्ल से हम देख के ना भी अंदाजा लगा सके, तो हर material की जो density होती है वो फर्क होती है। तो अगर डेंसिटी की वैल्यूज फर्क आ रही हैं, तो शायद अगर उनकी शक्लें कुछ मिलती जुलती भी होती तो फिर भी ये फर्क चीजें हैं। सो व्हेन यू से हाउ डिड यू ड्रॉ योर कंक्लूजन्स के आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे, तो आप क्या कहेंगे कि हम इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? थ्रू वैल्यूज ऑफ वैल्यूज ऑफ डेंसिटी वर ऑल डिफरेंट। ये जो क्वेश्चंस के हवाले से हमने पहली फुटेज आपको दिखाई और हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं जो क्वेश्चंस बच्चों को मिले, तो पहला सवाल ये था कि आर एनी ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, जो पिछला उन्होंने किया इरेग्युलर ऑब्जेक्ट्स वाला, मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस, हाउ डू यू रीच योर कंक्लूजन? तो वो जो हमने कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग की उससे बच्चों को वो पैटर्न्स तो नज़र आ रहे हैं कि जी जो मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं उनकी डेंसिटीज जो हैं वो फर्क होती हैं, एंड दैट्स वेरी क्लियरली डेमोंस्ट्रेटेड इन द केस ऑफ ग्लास, इन द केस ऑफ द
the iron screw, even though in the iron screw you get two different values, but they are clearly very, very different from water, for example. Wood ki value bhi unko clearly nazar aa rahi hai. Kahin kahin jaise overlaps hain aur confusion hai, kyunki wo range of values jo hai, wo bahut kareeb hai mukhtalif materials ki, jaise pani se kuch values zyada hain, humne dekha wax ke hawale se kuch pani se kam hai, plastic ka bhi yahi masla tha. So that we resolved by putting them in water. So wo ye discussion thi ke ji density is a characteristic of matter and you can use it to identify materials. Now let's move on to the second question and watch that footage. Dusra kya sawal tha beta, aap padho. How do the densities compare with the density of water? पानी की डेंसिटी के मुकाबले में ये जो जितनी भी आपकी डेंसिटीज मेजर की हैं, वो कंपेयर का मतलब यह होता है कि जी आप एक मुवाजना कर रहे हैं, ये जी आपने ये बताना है कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है. तो बेटा आप मुझे बताओ कि हाउ डू द अदर डेंसिटीज कंपेयर विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट टेल अस अबाउट दैट. पानी की सारों की पानी से कम है, तो फिर यू हैव टू नेम द मटेरियल्स ना, किनकी पानी से ज्यादा है, ऊंची बताएं. ब्रास की और ब्रास की और प्लास्टिक की और किसी में ज्यादा है. आयरन आयरन ब्रास प्लास्टिक और ग्लास. ओके, सो चार चीजों की. सो इन योर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन यू से वेल ब्रास और ग्लास और आयरन की तो बड़ी क्लियरली ज्यादा है. एंड जो साइंसदान जवाब देता है वो सच बोलता है. सो वो कहते हैं वी वर नॉट श्योर अबाउट द प्लास्टिक बिकॉज वी हैड अ रेंज ऑफ वैल्यूज. अंग्रेजी में कहते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए फैलाव था हमारी वैल्यूज में. सो आई पुट दैट वर्ड डाउन. तो इसलिए वी पुट द प्लास्टिक डाउन इन द वॉटर एंड बिकॉज इट सैंक वी डिसाइडेड दैट the values were larger than the density of water. So teen ka to hame bilkul clearly pata tha, ek ka pani mein dal ke humne tay kiya. Aur baki beta aap mujhe batao, aap batao beta ke aur baki kaun se materials the jiski pani se density kam thi. Wax or wood. So this is what you need to write down, a detailed answer like that. So question two is, how do the densities compare with the density of water? And I ask the children. So as you can see that, yes, they are clear that brass and iron and glass are all greater than the density of water. And then we talk about, okay, jahan confusion tha, usko humne kaise clarify kiya? And that's right in front of you. Usko humne clarify kiya by putting the objects in water. So we've concluded that the only two materials jinki density pani se kam hai wo wax aur wood hai. So then we move on to the third question, which is, what is the difference between mass and volume? So wo aap footage dekhiye. Aap mujhe read out karke bataiye teesra sawal. What is the difference between mass and volume? What is the difference between mass and volume? Volume jab hum measure karte hain to hum kis cheez ki paimaish karte hain? तो मैम कितना उसमें मतलब कितनी उसमें कितना मादा उसमें कितनी वो जगह की है. और फिर अगर मास की करेंगे पैमाइश तो फिर क्या आप मेजर कर रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ कितना हाउ मच मैटर इज पैक्ड इन दैट वॉल्यूम ऑफ कितना मादा उस शहर में मौजूद है. यानी अगर ये दोनों मेजरिंग सिलेंडर्स एक ही किस्म के ग्लास के बने हुए हैं, तो अब इस मेजरिंग सिलेंडर और इस मेजरिंग सिलेंडर के मास में कोई फर्क होगा? यस यस. जिसका मास ज्यादा होगा बड़े. वॉल्यूम किसकी ज्यादा है? बड़े बड़े. लेकिन जब आप डेंसिटी निकालेंगे तो वो एक ही निकलेगी. Because the amount of matter packed in one little cubic centimeter will be the same.
अच्छा जी, एक तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज का इशू हो रहा है, बिकॉज दे नो कि अच्छा मास और वॉल्यूम दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और एक टेल्स अस ऑफ द मैटर दैट इज पैक्ड इन एन ऑब्जेक्ट एंड वन इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, बट विच इज विच, यानी मास क्या है या वॉल्यूम क्या है, वो मुझे लगा कि अच्छा वो थोड़ा सा रट्टा फेल हुआ हुआ है. सो That really doesn't reflect के जी उनको समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा confusion है कि mass का लफ्ज क्या represent कर रहा है और volume का लफ्ज क्या represent कर रहा है. But most of them have figured it out, और जैसे जैसे वो encounter करेंगे इन physical quantities को उनका consolidate हो जाएगा. How did you calculate the density of an object? Well, will somebody tell me? How do you calculate the density of an object? Okay. Mass divided by volume. Excellent. Does everybody agree? Yes. That you measure the mass of the object, you measure the volume, and then you use the formula mass divided by volume, and you calculate it. And what does it tell us? It tells us how much mass is packed in how much volume? Yes. Density tells us one centimeter cube में कितना mass है. क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जी 10 grams में 10 grams जो है of matter occupies a volume of 5 centimeter cube, तो density का जो हो वो हम ये सवाल पूछते हैं how much mass is packed in 1 centimeter cube. Five cubic centimeter में अगर 10 grams है तो 1 cubic centimeter में 2 grams होगा, ठीक है ना? Excellent. So the density is 2 grams per centimeter cube. ये जो हमने आपको फुटेज दिखाई उसमें ये जो हमारे क्वेश्चंस की लिस्ट है हमारे सामने, उसमें हमने जो क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड यू कैलक्यूलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो आपके साथ शेयर की, जिसमें के चिल्ड्रन नो कि अच्छा जी वी हैव टू डिवाइड मास विद वॉल्यूम, और फिर हम दोबारा से रीइंफोर्स करना चाहते हैं कि ये जो डिवीजन हो रही है मास बाय वॉल्यूम की, उसका असल में मतलब ये है कि वी ट्राइंग टू फाइंड द मास ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ द साइज ऑफ दिस क्यूब हुज ईच एज इज 1 centimeter, एंड वी कॉल दैट वॉल्यूम 1 centimeter cubed और 1 cubic. Centimeter. We would like to proceed with our experiment. So I want you all to move on to your worksheet. आपकी बड़ी हुई है आपकी मेज पे और सब अपने ग्रुप नेम्स लिख लें उन वर्कशीट्स पे. Everybody write their group names. ये वाली नहीं बेटा, दूसरी यूज करो वाली. Is there a relationship between density and total density in water? So write down what have you discovered? What is the relationship with density? जो मटेरियल्स की लिस्ट है उसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है 300 ml मेजरिंग सिलेंडर्स. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव 200 ml मेजरिंग सिलेंडर्स एंड यू हैव अ बीकर, ऑलराइट, अ स्मॉल बीकर. सो अदर देन दैट यू हैव अ बीकर कंटेनिंग कलर्ड वाटर. डज एवरीबॉडी हैव दैट? यस. टिपिकली जब आप अपनी खुद भी लैब रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको ये लिस्ट अपने मटीरियल्स की देनी चाहिए है. ओके, अच्छा. Then everybody has a plastic bottle containing glycerin? Yes. And one plastic bottle containing vegetable oil? Yes. One plastic dye? Yes. One iron screw? Yes. And an electronic balance to be shared by 2 groups? Yes. Excellent. अच्छा जी, इस फुटेज में जो उनको हमने डेंसिटी कॉलम की वर्कशीट दी है वो उसका पहला जो सफा है उसमें
एंटर कर रहे हैं, एक तो जो अभी तक डेंसिटी डेटा उन्होंने कैलकुलेट किया है वो एंटर कर रहे हैं, और फिर कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। तो जो डेंसिटी डेटा वो एंटर कर रहे हैं वो सारा कुछ जो अब कैलकुलेट कर चुके हैं, पानी, वुड, वैक्स, ग्लास, प्लास्टिक, आयन, ब्रास, उसकी वो अपने डेटा से ही देख के और वैल्यूज लिख रहे हैं। ऑल्दो दे हैव बीन टोल्ड के जी आयन के लिए यू नीड टू स्टिक टू अ वैल्यू विच इज क्लोज टू 6 grams per centimeter cubed। और फिर उन्हें कहा गया है कि जी डेंसिटी का एक और इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट दैट। सो उनको ये कहा गया है कि वो एक डेंसिटी कॉलम बनाएंगे और दे आर आस्क्ड टू फिल दिस प्रिडिक्शन टेबल विच वी आर शेयरिंग विद यू। कि अच्छा जी पानी में अगर वैक्स ब्लॉक डालोगे उसकी डेंसिटी लिस्ट करो और फिर बताओ कि वो फ्लोट करेगा या सिंक, ग्लास, वुड, आयन स्क्रू, प्लास्टिक डाई, ब्रास वेट। नाउ ऑब्वियसली एज वी ऑलरेडी नो के जी वैक्स ब्लॉक और जो प्लास्टिक डाई है उसके केस में कुछ बच्चों की वैल्यूज ऐसी आती हैं जो कि डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा है, लेकिन एज दे एक्चुअली फाउंड आउट बाय पुटिंग देम इन वाटर के वो फिर मसला रिजॉल्व हो जाता है। कि मजीद उनसे ये पूछा गया है कि जी इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर, तो आप इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें। इन अदर वर्ड्स वो ये अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी अच्छा जी पानी से जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो सिंक करेगी, जिससे कम है वो फ्लोट करेगी। सो वी विल सी के जी कौन से बच्चे हैं जो कि इसको क्लियरली लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो हम ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं उसमें हमने बच्चों के साथ शेयर किया कि अच्छा जब आप एक डेंसिटी कॉलम बनाने लगे, हमने उनको ये नहीं बताया कि वो क्या है और उसके लिए जो मटेरियल है वो आपका क्या है। सो वी हैव शेयर्ड ऑल दैट मटेरियल विद देम एंड आल्सो द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ 300 ml मेजरिंग सिलेंडर्स दे आर गोइंग टू गेट 200 ml मेजरिंग सिलेंडर्स एंड अ स्मॉल एम्प्टी बीकर। एक तो बीकर है ना जिसमें के colored water. So now let's move on to the next segment. Now procedure. आपके पास तीन liquids हैं. कौन से आपके पास तीन liquids हैं? जरा आप बताओ. What are the three liquids that you have? Oil. Glycerin. Or water, which we have colored. So that's water. Does everybody know that that is water? Yes. So refer to it as water. Liquids to tino hai na? All three of them are liquids. But they are different liquids. So are you all aware of that? Yes. Now, I would want one of you to tell me, jab humne pani ki density nikali thi, to sab wo us experiment ke baare mein गौर और फिक्र करें कि जब हमने पानी की डेंसिटी, और पानी एक लिक्विड है तो हमने उसकी डेंसिटी निकालनी थी, तो बेटा आप मुझे बताओ कि हमने पानी का मास किस तरह निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेजर द मास ऑफ एम्प्टी मरीन सिलेंडर। ओके, यू मेजर द मास ऑफ द एम्प्टी मरीन सिलेंडर फॉर योर प्राइस। ओके, स्टेप 2 ऐड अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज गिवन। सपोज वी हैव 50 ml of water. Okay, if you decide you want to put in 50 ml of water, you put that in the measuring cylinder. Okay, then we take mass both 50 ml of water plus measuring cylinder. Excellent. Then step 3, then we subtract the value of the mass cylinder plus water from the original. Okay, so empty measuring cylinder ka you take, you subtract its mass from that of the water. Yes. And the मेजरिंग सिलेंडर, उससे आपको मास पता चल जाता है और वॉल्यूम तो आपने डाली होती है 50 ml की, तो आपके पास मास और वॉल्यूम होगी तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। हाउ विल यू फाइंड द डेंसिटी इफ यू हैव मास एंड वॉल्यूम? व्हाट विल यू डिवाइड बाय व्हाट? वॉल्यूम बाय मास। नो, बट विल यू डिवाइड वॉल्यूम बाय मास और मास बाय वॉल्यूम? व्हाट विल बाय वॉल्यूम? अच्छा जी, इसमें हम प्रोसीजर का जो स्टेप 1 है वो डिस्कस कर रहे हैं कि यू विल डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ वाटर, वेजिटेबल ऑयल एंड ग्लिसरीन, और हम रिफ्लेक्ट एक रिव्यू कर रहे हैं कि अच्छा जी फिर हमने जब पानी की डेंसिटी को इवेल्युएट किया तो हमने क्या किया। सो दैट्स व्हाट वी हैव शेयर्ड विद यू। वो एज यूजुअल अभी भी कुछ बच्चे हैं हु आर स्टिल
trying to figure that out. There are some who are very, very clear, and we've shared that with you. बच्चों के लिए भी एक review हो जाता है, वैसे भी उनके सामने classroom में लगा हुआ है कि अच्छा जी हम liquid का कैसे density calculate करते हैं, in particular एक fixed volume लेके फिर उसके mass को कैसे measure करते हैं. So then we move on to the next steps of the procedure के उन्होंने फिर क्या करना है. So let's see that segment. Now, what you have to be careful of is, hum, because we have two measuring cylinders and one beaker. So, turn by turn. अब beaker में हमने पानी लेना है और हम यहाँ क्योंकि हमारी बीकर की जो डिविजन है उसमें जो क्लियर डिविजन है वो 20 है, 40 है और 60 ml है, तो 80. तो हम कोई, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, what volume of water would you like to take? 40. Is everybody comfortable with 40? यहाँ अब आपकी टेबल बनी हुई है, वाटर है. हाँ, तो आपने पहले मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर या एम्प्टी बीकर का मास लेना है, ठीक है जी. फिर आप 40 मिलीलीटर्स पानी डालेंगे. तो पानी की वॉल्यूम आपने पहले कॉलम में अपने लिख देनी है कि पानी की वॉल्यूम मैंने क्या डाली, 40 सेंटीमीटर क्यूब्ड और 40 मिलीलीटर. फिर आपने उनके गट्ठे का मास लेना है. तो ये आपकी आ जाएगी दो वैल्यूज. फिर आपने एम्प्टी बीकर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आपके पास पानी का मास आ जाएगा और आप डेंसिटी निकाल देंगे पानी का करके से आई डू ग्लिसरीन, ठीक है ना. तो फिर उसमें भी पहली चीज क्या करोगे, एम्प्टी सिलेंडर का मास लोगे, मास लोगे. अच्छा, मास वेट की कल बड़ी गौर से बात करेंगे. और फिर 25 मिलीलीटर ऑफ ग्लिसरीन डालोगे और कोशिश ये करनी है क्योंकि ग्लिसरीन आपको पता है बड़ी स्टिकी होती है, यू डोंट वॉन्ट इट टू स्टिक टू द वॉल्स. सो आपने उसको कॉल, अभी मैं ये खोल नहीं रही, ऐसे करना है कि इसको दरमियान में रखना है ताकि साइडों पे ना चिपके, ना लगे, समझ रहे हो ना. सो एक बच्चा बड़ी केयरफुली पॉर करेगा, दूसरे एज यूजुअल कुर्सियों से उतर के और देखेंगे कि 25 ml पे, क्योंकि अभी हम निकाल नहीं सकते इसको क्योंकि वो सारी फिर लग जाएगी. सो 25 ml पे रुक जाने, इसका मेनिस्कस उतना कर्व शायद ना हो जितना पानी का है पर वहां रुक जाना, ठीक है ना. सो पहले इसका खाली मेजर करोगे, फिर ग्लिसरीन डाल के मेजर करोगे. हाँ, और फिर इसको बड़े आराम से रख देना है, इसको खाली नहीं करना, अपने किसी भी इन चीजों को खाली नहीं करना. सो यू विल डू दैट फॉर ग्लिसरीन एंड देन व्हाट विल यू डू विद दिस, द लास्ट वन. First of all, what will you do? Somebody ask it out. Mass of the gas. Then what will you put in it? Oil. 25 milliliters of oil. Vegetable oil. And then measure the mass of cylinder and oil. And then you will subtract this empty cylinder ka mass. And that will give you the mass of the oil. Now, oil ka bhi koshish karein ke wo bhi ye कोशिश करें कि वो साइडों पे ना लगे. एंड देन नीटली पुट ऑल दीज थिंग्स विद द लिक्विड्स इन इट ऑन योर टेबल हियर एंड देन कंप्लीट योर कैलकुलेशन. इज एवरीबॉडी ओके विद दैट? यस. एक्सेलेंट. सो यू कैन नाउ स्टार्ट. अच्छा जी, इस सेगमेंट में एसेंशियली अब वो बाकी सारे जो प्रोसीजर के स्टेप्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेप्स 2 थ्रू स्टेप 7, उनको हमने एक कवर कर लिया है क्योंकि बच्चे जो हैं अब वो डेंसिटी निकालना पानी की तो जानते हैं. ऑल दैट वी हैव टोल्ड देम इन पर्टिकुलर इज के जी आपने 25 मिलीलीटर ऑयल और ग्लिसरीन का तो अपने मेजरिंग सिलेंडर्स में 25 मिलीलीटर ही पोर करना है. दैट इज द फिक्स्ड वॉल्यूम यू विल टेक. द केस ऑफ वाटर, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मेजरिंग सिलेंडर, दे आर आस्क्ड टू सिलेक्ट एनी फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो अपने वो छोटे से बीकर को देखते हैं और उसका क्योंकि 40 ml मार्क इज क्लियरली देयर, सो दे ऑप्ट फॉर 40 ml एंड देन दे नो हाउ टू गो अबाउट इट. कि उनकी टेबल दी गई है, उसमें उन्होंने वो डेटा एंटर करना है. And finally, you evaluate the density.
So now let's move on to the next segment. Reset, always reset on करके that's the mode बेटा ये exams में सिर्फ इसको reset करना होता है ताकि zero पे हो ते इस segment में तो हम बस आपको दिखा रहे हैं कि अच्छा बच्चे liquids की वो density measure कर रहे हैं and we've shown you segments of the steps in order which different groups are carrying out. हमने एक ग्रुप का दिखाया कि अच्छा जी वो अपने एम्प्टी बीकर्स और सिलेंडर्स को मेजर कर रहे हैं फिर ऑफ अनदर सेगमेंट इन विच आफ्टर दैट दे आर पोरिंग लिक्विड्स इनटू इट फिर ये हमने छोटा सा सेगमेंट दिखाया जिसमें कि वो एक जो बीकर है विद कलर्ड वाटर उसका मास निकाल रहे हैं एंड दे आर रिकॉर्डिंग देयर डेटा एंड एंटरिंग इट इन द टेबल सो मोर और लेस थिंग्स वर गोइंग स्मूथली उन्हें पता था स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या करना है अब जब एक्चुअल डेटा शेयरिंग होगी तो उससे रिवील होगा कि अच्छा जी कुछ इश्यूज थे या नहीं बट दे वर गोइंग अलोंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आर यू रेडी टू शेयर ग्रुप वन ओके टेल मी व्हाट इज द डेंसिटी फॉर ग्लिसरीन 1.15 और वेजिटेबल ऑयल 0.86 0.86 और पानी की 0.99 ओके आर यू रेडी ग्रुप थ्री ओके आप बताएं बेटा सबसे पहले हाँ 1.172 आई जस्ट पुट दैट डाउन ओके ऑयल 0.876 so let's do that 88 kar le and then water 0.98 excellent okay group 4 are you ready okay one member from the group yeah less than 1.24 okay and oil 0.876 तो हम वो ये करते हैं ओके अच्छा थैंक यू ओके 0.945 उसको 95 करते हैं राउंड अप करते हैं ओके
Group 5 is still working. Group 6, are you ready? No. Group 7, are you ready? Yeah. Have you got your values? Okay. Batao phir, glycerine ki kya hai value? 1.15. Vegetable oil? 0.8. Just 0.8? 8.0. 8.0. So, 8.1 kar le. अच्छा और फिर वाटर 0.8 वो भी 0.8 है yes. अच्छा ओके ओके और फिर ग्रुप 8 1.28 0.34 आई थिंक यू नीड टू रीटेक दैट वैल्यू राइट नाउ बेटा 0.83 हाँ यू नो व्हाई वी कैन दिस इज व्हाई वी शेयर दीज वैल्यूज बिकॉज ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ये वैल्यू आए आपने आपका मास ये क्या है ऑयल है ये वेजिटेबल ऑयल की हम बात कर रहे हैं ना हाँ एंड दैट्स दैट वेयर इज द मास दैट यू मेजर्ड ये मैसेज ऑफ सिलेंडर की तो कंफ्यूजन नहीं की 96% अच्छा नहीं मतलब एम्प्टी सिलेंडर्स दोनों के एक ही मास था तुम दोनों के एम्प्टी सिलेंडर्स का एक ही मास था एक का 96.7 था और दूसरे का क्या था दूसरे का भी सी नहीं नहीं था दिखाओ जरा नहीं वो तो इसका इसका डिफरेंट था तो फिर आपने एक ही मास कैसे यूज कर लिया दोनों के लिए बट यू आर क्लियर व्हाट यू डिड बिकॉज़ आप वो जो मेजरिंग एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर उसका वजन सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें आपने ऑयल डाला Are you with me? Yes, ma'am. So that's why there's a problem here. I can tell immediately then that there's a problem here. अच्छा जी इसमें अब वो शेयरिंग फाइंडिंग्स का प्रोसेस शुरू हो गया है आई एम यू नो रिकॉर्डिंग द चिल्ड्रंस फाइंडिंग्स सो कुछ हमने थोड़े से आपको ग्रुप्स की शेयरिंग भी दिखाई है एंड एज यू कैन सी व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट इज के इमीडिएटली जैसे जब मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ तो आई नोटिस कि अच्छा जो एक ग्रुप है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें सडनली कोई गड़बड़ नज़र आती है कि अब वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो ऑयल आ रहा है 0.88, 0.89 एंड सडनली दिस ग्रुप सेज दैट वी हैव अ वैल्यू ऑफ डेंसिटी फॉर ऑयल विच इज 0.34 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रॉब्लम तो वही हम जो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते आए हैं कि जी आपने फिर डिसाइड करना है आपको एक एविडेंस मिली है कि इसको इंटरप्रेट करें और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें विच आई रिजॉल्व देयर एंड देन बिकॉज आई वेंट एंड लुक्ड एट देयर डेटा और उसमें यही मसला हुआ था कि जी उन्होंने वो जो सिलेंडर था जिसमें के ऑयल डाला था उस एम्प्टी सिलेंडर का मास उसमें से नहीं निकाला था बल्कि उन्होंने जो एम्प्टी सिलेंडर जिसमें ग्लिसरीन डाली थी उसका मास निकाला था सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हेन वी आर एनालाइजिंग द कलेक्टिव डेटा ग्रुप 5 वेजिटेबल ऑयल का 0.9 1.26 so we'll say 1.06 ओके एंड ग्रुप 6 1.108 विच इज 1.11 ये ग्लिसरीन है हाँ ओके 0.788 ओके सो 0.79 ओके 0.81 वाटर का ओके अच्छा जब आप अपना शेयर करते हैं डेटा और कैलकुलेशंस कि भाई अगर मेजॉरिटी की ये रेंज आ रही है डू यू अंडरस्टैंड ग्रुप 8 दैट समथिंग फनी इज गोइंग ऑन सो दैट हेल्प्स यू देन आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज Now, do you all understand the problem kya tha? Yes. Can you tell me what their problem was? मैम तो उन्होंने एक ही मयूरिंग सिलेंडर का मास फाइंड आउट किया था और दूसरे का नहीं किया था और उसी मयूरिंग सिलेंडर का मास दूसरे वाली प्लेस पे लिख दिया और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट किया अच्छा अब जब हम डेटा शेयर करते हैं एक तो हम देखते हैं कि जनरली अब ग्लिसरीन की सबकी वैल्यूज आर इन द रेंज ऑफ 1.11 to 1.28 रेंज का क्या मतलब फैलाव क्या है कि जी मिनिमम वैल्यू 1.11 पे और मैक्सिमम 1.28 तो साइंटिस्ट इस तरह तज्जिया करते हैं कि अच्छा जी क्या रेंज ऑफ वैल्यूज आ रही है सो ये रेंज ऑफ वैल्यूज ग्लिसरीन की ये है और वेजिटेबल ऑयल की रेंज ऑफ वैल्यूज इज फ्रॉम 0.79 to 0.9 राइट आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट बिकॉज वी नो दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर
और जो पानी की वैल्यूज है वो 0.79 to 1.06, राइट। अब हमें पता है कि जी एक बहुत जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स हो तो हमारी एक वैल्यू आनी चाहिए, और अगर जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो पानी की एक वैल्यू होगी तो इनकी भी फिर जरा बदल जाएंगी। इसीलिए हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट से सारी वैल्यूज लेके ही हम एक मवाजना या कंपेरिजन कर सकते। अच्छा जी, इसमें हम फिर देखते हैं, मैं इनके साथ शेयर करती हूँ कि अच्छा जी क्या फॉर ईच लिक्विड जो है डेंसिटी की रेंज वैल्यूज या जिसे मैं कहती हूँ फैलाव क्या है। आइडियली वी'ड लाइक के फैलाव कम हो, लेकिन थोड़ा सा एरर का एलिमेंट होता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि फॉर 5 out of 7 ग्रुप्स, आठवां ग्रुप तो वो था ना जिसकी ये ऑयल की वैल्यू गड़बड़ थी, कि उनके पैटर्न्स सही है कि सबसे ज्यादा डेंसिटी ग्लिसरीन की है, फिर पानी की है और फिर सबसे कम ऑयल की है। नाउ दो ग्रुप्स थे जिनमें के ये नहीं हो रहा, जिसमें के ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा आ रही है। बट आई हैव प्रिटेंडेड नॉट टू टेक एनी नोटिस ऑफ दैट राइट नाउ। आई एम जस्ट होपिंग इन ड्यू कोर्स द चिल्ड्रन मे नोटिस दैट एंड देन कॉमेंट ऑन इट। सो Now, let's move on to our final footage. You've done a great job, okay? And there is 8, number 8, look at your worksheets. It says, look carefully at the densities you've calculated. ठीक है जी? अब इसमें सबसे ज्यादा density किसकी है? Glycerin की. उससे कम किसकी है? Oil. ऐसा करो कि उससे कम किसकी है? वाटर। और सबसे कम किसकी है? ऑयल। हर कोई अपनी वैल्यूज का सेट देखे ना, हर कोई अपनी वैल्यूज का सेट देखे। ये इस लाइन में जाओ, इस लाइन में जाओ, इस लाइन में जाओ और कंपैरिजन करो, तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है बेटा डेंसिटी की? ग्लिसरीन की। और बेटा आप बताओ कि सबसे कम किसकी वैल्यू है? ऑयल की। और पानी इज इन द मिडल। ओके, नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ प्रिडिक्शन या पेशीन गोइंग बिफोर यू एक्चुअली टेस्ट इट आउट। सो नो वन इज गोइंग टू टेस्ट इट आउट राइट नाउ अंटिल आई टेल यू टू डू सो। एंड व्हाट इज द प्रिडिक्शन यू आर गोइंग टू मेक कि अगर मैं आपको ये कहूँ, हाँ, और जो कि आप बाद में करके देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रिडिक्शन करेंगे कि मैं कहूँ कि अच्छा जी ये आपका वेजिटेबल ऑयल पड़े, इसी में आप अपना ये ग्लिसरीन डाल दें, इसी में आप पानी डाल दें। नोइंग व्हाट यू नो अबाउट दीज डेंसिटीज, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? एंड व्हाट एवर विल हैपन, नो यू डोंट टेल मी दैट, यू हैव व्हाट्स कॉल्ड अ प्रिडिक्शन सिलेंडर या हाँ। और उस सिलेंडर अभी हम करके नहीं देख रहे कि अगर मैं कहती हूँ इसमें ऑलरेडी है ना 25 ml ग्लिसरीन का, तो मैं आपको कहूँ कि अच्छा जी ये 25 ml भी इसमें डाल दो और इसमें से भी 25 ml, क्योंकि यहाँ डाल के पढ़ सकते हो ना 25 ml का माप क्या होगा। 25 ml अगर एक चीज का डालोगे मेजरिंग सिलेंडर में, फिर 25 ml और डालोगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, और फिर 25 और डालोगे। सो यू नो दैट। सो इन योर प्रिडिक्शन सिलेंडर you draw what you think is going to happen if you mix all these liquids up. आप पेशीन गोई कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में क्या होगा, तो अभी कोई मिक्स ना करें। You wait for my instructions. You do not mix it right now. Shading करके बताओ, label कर दो. Shading करके बताओ, label कर दो. Shading करके बताओ, label कर दो. But do not do it. जो पेशी गोई होती है बच्चों, एक मेरी बात है, पेशी गोई बनती है सभी को नहीं होती, ये तो है मेरी बात। वाटर की भी थोड़ी नहीं है, वाटर ओयल की बहुत वाटर है शायद। हाँ, या
सबसे नीचे मीन्स एट द बॉटम, सबसे ऊपर मीन्स एट द सबसे ऊपर क्या होगा? या बट व्हाट इन इंग्लिश व्हाट विल आई से? एट द टॉप. एट द टॉप. और अगर मैं कहूँ दरमियान में तो उसे इंग्लिश में क्या होगा? दरमियान में इन द मिडल. फुटेज में आपने देखा कि बच्चे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी दे हैव कैलकुलेटेड. नाउ देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन अमंग द ग्रुप्स जिनकी के जो डेंसिटी है ऑयल की वो पानी से ज्यादा आई है, बट जो क्लास में शेयरिंग डेटा की हो रही है वो बच्चे ज्यादातर यही शेयर कर रहे हैं कि अच्छा जी ऑयल की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, ग्लिसरीन की सबसे ज्यादा है. सो वो बच्चे इस चीज को सिमुलेट कर रहे हैं कि शायद हमने कुछ गड़बड़ की हो. एंड देन यू सी दैट दे मेक देयर प्रिडिक्शन सिलेंडर्स, यानी कि वो ड्रॉ कर रहे हैं कि अच्छा जी जब हम इन तीनों को मिक्स करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होगा, लेयर्स फॉर्म होंगी. फिर उनको ये इनकरेज किया जा रहा है कि जी आप उसकी लेबलिंग भी करें. एंड एज वी हैव शोन यू इन सम ऑफ द क्लोज अप्स चिल्ड्रन आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ इट, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग variety bhi hai. Now we're going to bring this lecture to a close. This is the final footage we shall show you of the lesson. Ab isme bachcho ne background sari develop kar li hai for constructing a density column. They've measured the density of the liquids. We've done a certain amount of analysis ki acha ji hum density ko istemal karke predictions kar sakte hain. Unhone prediction column bhi bana liya hai. So when we meet you in the next lecture, we will be actually moving on to building density columns and bringing in a lot of excitement in the class. Thank you.